देखो बच्चों, आज हम वक्रता स्टार्ट करेंगे। कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है किसी वक्र के किसी पॉइंट पर घुमाव चेक करना। देखिए, घुमाव तो तुम खूब अच्छे से जानते हो। मान लीजिए कोई रोड है, सड़क है, अब इस पर यदि कोई गाड़ी भागने लगे तो साफ सी बात है, उसे कहीं पर क्या इसमें घुमाव का एहसास होगा? कहीं घुमाव दिखा रहा है इसके अंदर? नहीं। तो इसका मतलब इसके अंदर कर्वेचर जो है वो जीरो है, वक्रता है ही नहीं इसके अंदर, घुमाव है ही नहीं। और यदि मान लीजिए मैं दूसरी रोड ऐसी बना दूं इस तरह से, तो देखिए जैसे वो जैसे यहां से चलेगा कोई गाड़ी वाला इस पर गाड़ी लेकर, तो यहां तक तो ऐसे दिखाई दे रहा कोई घुमाव नहीं है, लेकिन यहां से घुमाव आना शुरू हो जाए, ये हो गया। लेकिन क्या हर बिंदु पर घुमाव एक सा है? नहीं, हर बिंदु पर घुमाव अलग अलग है। वक्रता कर्वेचर अलग अलग है। तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे चेक करें कि भाई कहाँ पर घुमाव ज्यादा है, कहाँ पर घुमाव कम है? आंखों से देखकर तो हम बता रहे हैं, फील तो कर रहे हैं हम, हाँ कि भाई यहाँ पर घुमाव है ही नहीं, इस पॉइंट पे घुमाव है ही नहीं, इस पॉइंट पे घुमाव आना शुरू हो गया, इस पर और थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये तो हमने आंखों से देखकर फील कर लिया, उस बात को एहसास कर लिया कि हाँ घुमाव यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन बात उठती है मैथ्स में या गणित में हम कैसे चेक करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि हाँ भाई कहाँ पर घुमाव ज्यादा है, कहाँ पर घुमाव कम है? तो उसके लिए इन्होंने क्या डेफिनेशन बनाई है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इन्होंने मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर जो लिखी है मैंने, ये है कि मान लो कोई कर्व है, उस पर दो पॉइंट पकड़िए। नेबरहिंग का मतलब होता है नेबरहुड, पास, पड़ोस में, दूर दूर नहीं पकड़ने, पास पास में दो पॉइंट पकड़िए किसी कर्व के ऊपर। फिर उन पॉइंटों पर, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचिए। एक स्पर्श रेखा मान लीजिए पी बिंदु पर जो जो है वो एंगल बनाती है, कोण बनाती है एक्स एक्सिस के साथ साई का, और दूसरे बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो कोण बनाती है कितने का? साई प्लस डेल्टा साई का। ठीक है, यही है ना? ठीक। तो अब उन्होंने क्या बताया कि कैसे तुम कर्वेचर चेक करोगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान देना, मैं कर्व बना रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो ये हमारा कोई कर्व है, और इस पर एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया पी पॉइंट, और एक पॉइंट ले लिया यहां पर क्यू पॉइंट। अब मैं इन दोनों पॉइंटों पर स्पर्श रेखा खींचूंगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारी वाई एक्सिस। इस पर मैंने टेंजेंट खींची पी पॉइंट पर, ये खींच दी पी पॉइंट पर टेंजेंट, और ऐसे ही मैंने क्यू पॉइंट पर टेंजेंट खींची, एक मिनट, ये खींच दी। और मैंने अब ये कोण इनका नोट करा। मान लीजिए ये वाला एंगल साई है और ये वाला एंगल साई प्लस डेल्टा साई है, ये। तो साई जो एंगल होता है ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, लिखवाया अभी था तुम्हें जो है पहले ही, जब हमने टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर पढ़ा था। अब ये बताइए सोचकर, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हमें पता है बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों कोणों के सम के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये डेल्टा साई हुआ, तो इसका मतलब तो फिर ऊपर वाला भी डेल्टा साई हुआ, ये। अब ध्यान सुनना, हम पी पॉइंट पर वक्रता चेक करना चाहते हैं, पी पॉइंट पर, कि पी पॉइंट पर कितना घुमा हुआ है। तो हमने एक क्यू पॉइंट पकड़ा पास में, सपोज करिए यहाँ पर है गाड़ी वाला, क्यू पॉइंट पर है गाड़ी वाला। अब गाड़ी वाला जैसा है मान लो पीछे से आया होगा तो उसे यहाँ घुमाव कम लगा, लेकिन जैसे जैसे वो क्यू आगे की ओर बढ़ेगा तो घुमाव ज्यादा लगेगा उसे। ठीक है, अब इसको देखना, जैसे जैसे गाड़ी वाला या क्यू पॉइंट कह दीजिए, क्यू पॉइंट आगे की ओर बढ़ेगा तो तुम्हें ये बताना है इस एंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डेल्टा साई पर क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा। सोचो, क्यू पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ेगा तो टेंजेंट ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी उसका ये जो एंगल निकाला तुमने, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे जैसे ये क्यू पॉइंट आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो डेल्टा साई भी चेंज होता जाएगा। तो यहां पर जो वक्रता है उसका एहसास करने के लिए हमें डेल्टा साई को चेक करना चाहिए कि डेल्टा साई कैसा चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जो डेल्टा साई में चेंज होगा वो ही यहां पर वक्रता को शो करेगा। सोच के बताना, अगर मैं ये कर लूं, एक पॉइंट पी लूं, एक पॉइंट क्यू लूं, यहां पर मैंने टेंजेंट खींची, क्यू पॉइंट पर टेंजेंट खींची, एंगल ये आया डेल्टा साई। अब मैंने थोड़ा सा कर्व को खोल दिया, फैला दिया, पी पॉइंट ये रहा और यहां पर क्यू पॉइंट। अब बताइए जब ये फैल गया, थोड़ा सा फैल गया, ऊपर देखो नुआ था सारा, अब ये तो ये डेल्टा साई एंगल कम हो गया ज्यादा हो गया, ये बताइए। अब ये एंगल डेल्टा साई कम हो गया,
क्योंकि अब इस कर्व के अंदर वक्रता कम हो गई, घुमाव कम हो गया। सोचो एक लाइन है सीधी लाइन, इसमें कोई वक्रता नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा अंदर को बेंड कर दूंगा तो वक्रता आ जाएगी, सही है, और ज्यादा मोड़ दूंगा तो ज्यादा वक्रता हो जाएगी। समझ में आ गई बात में? तो हम केवल ये कहना चाह रहे हैं, देखो अब इसके अंदर हमने पहले ऐसा डेल्टा साई था, अब हमने इसे थोड़ा खोला, इस कर्व को फैला दिया, तो फैलाते ही डेल्टा साई कम हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर वक्रता कम होगी तो डेल्टा साई भी कम होगा, और वक्रता ज्यादा होगी तो डेल्टा साई बड़ा होगा। तो हमने यहां पर वक्रता को, कर्वेचर को डेल्टा साई पर डिपेंड कर दिया, कि डेल्टा साई यदि बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब घुमाव भी वहां पर बढ़ रहा है, और डेल्टा साई यदि कम हो रहा है तो घुमाव फिर कम हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा साई को यहां पर बोलते हैं टोटल कर्वेचर। ठीक, अब बात उठती है कि जब हम देखते हैं भी, जब कोई चीज बढ़ती है या घटती है तो उसकी रेट चेक करते हैं, दर चेक करते हैं। तुमने देखा होगा जब हम वेलोसिटी देखते हैं, किसी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब चेंज होना देखते हैं ना तो उसे कहते हैं रेट चेंज देखना, दर देखना। लेकिन ज्यादातर जो रेट होता है, दर जो देखी जाती है, वो देखी जाती है समय के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं होता कि समय के अनुसार देखी जाए, दर तो तुम किसी के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। जैसे लोग घनत्व निकालते हैं, घनत्व निकालते हैं एरिया के अनुसार, डेंसिटी निकालते हैं एरिया को देखकर, तो वहां पर रेट निकल जाता है क्या? डेंसिटी अपॉन एरिया, पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, तो ऐसे ही रेट का निकालने का कोई वो नहीं है कि टाइम के अनुसार निकाला जाए। तो यहां पर हम साई को देखना चाहते हैं, साई किस रेट से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम यहां पर चाप की लंबाई का फायदा उठाएंगे। पी पॉइंट यहां है, क्यू पॉइंट यहां है, सपोज करिए इनके बीच की जो चाप की लंबाई है, जो आर्क है, जो कर्व है, पी से लेकर क्यू तक का जो ये कर्व है, ये वो डीएस है। ठीक है, तो ये देखिए जब क्यू अंदर की ओर जाएगा तो डेल्टा साई में चेंज होगा, तो डेल्टा एस भी बदलेगा, डेल्टा लिख देता हूं मैं, डेल्टा एस होगा, तो डेल्टा साई को हम डेल्टा एस से डिवाइड करेंगे, तो इसे बोलते हैं यहां पर एवरेज ऑफ कर्वेचर, अनुपात, मतलब अनुपात का मतलब, एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत कहते हैं इसे। और जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जब क्यू पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, क्यू पॉइंट पी पॉइंट पहुंच जाएगा, तब इसी वैल्यू को कहा जाएगा पी पॉइंट पर कर्वेचर। फिर सुन लीजिए, यहां पर कर्वेचर को जब नापा जाता है तो वो डेल्टा साई से नापा जाएगा। डेल्टा साई कम हो रहा है तो कर्वेचर कम होगा, डेल्टा साई बढ़ रहा है तो घुमाव बढ़ रहा है। ठीक है, अब उसके लिए भी उन्होंने क्या कहा, डेल्टा साई को कहा, इसको बोलेंगे हम टोटल कर्वेचर, और यदि डेल्टा साई को डेल्टा एस से डिवाइड कर देंगे तो जो अनुपात बनेगा, इस अनुपात को कहेंगे एवरेज कर्वेचर, और यदि इसकी लिमिट ले देंगे, कहने का मतलब क्यू को जब पी पॉइंट पहुंच जाएगा तो ये जो टोटल वैल्यू है तो डेल्टा साई और डेल्टा एस ही, लेकिन जब क्यू पॉइंट पी पर पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे कहा जाएगा कि ये पी पॉइंट पर कर्वेचर है, और इसका संकेत होगा यहां पर के का। तो वो सब, ये जो मैंने बातें मुंह से बोल के बताई हैं, ये सब मैंने नीचे फॉर्मूले में लिख दिए हैं। ए यहां पर मैं तुम्हें दिखा देता हूं कहां पर लिखी है मैंने ये सारी बातें, ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, ये एंड टाइम पर धोखा देना शुरू कर देता है। ये इसमें एक नंबर शुरू वाला भूल गया हूं मैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर डेल्टा साई को यहां का कहा जाएगा टोटल कर्वेचर। ये बोलने का तरीका और कुछ नहीं है, डेल्टा साई को क्या कहेंगे? टोटल कर्वेचर। और डेल्टा साई को ऐसे डिवाइड करेंगे तो इस पूरे को बोलेंगे एवरेज कर्वेचर, किस आर का? पी क्यू आर का, पी आर का मतलब चाप, और फिर इसमें यदि हम क्या कह देंगे यहां पर लिमिट ले देंगे, कहने का लिमिट का मतलब है जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट पर जाएगा तब इसी अनुपात को बोलेंगे हम क्या? कर्वेचर। किस बिंदु पर कहा जाएगा? पी पॉइंट पर, और इसे के से दिखाया जाएगा, के को यहां कप्पा बोलते हैं। ठीक है, डेल साई ओवर डेल एस। अब मैंने यहां पे लिखा कि अगर डेल साई ओवर डेल एस जीरो हो गया तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई कर्वेचर नहीं है, उसके अंदर कोई घुमाव नहीं है। बताइए डेल साई ओवर डेल एस जीरो कब होगा? जब साई में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, साई सीधा होगा बिल्कुल, जो है कॉन्स्टेंट रहा होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि अगर साई में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कोई घुमाव नहीं है। ठीक, अगर डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब वहां पर घुमाव है। अब घुमाव कैसा है वो मैंने यहां पे लिखा है। अगर डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस की वैल्यू वन से बड़ी आई तो कर्वेचर ज्यादा हो रहा है, बग बिग लिखा है, बड़ा होगा, और यदि ये वैल्यू कम आ रही है तो समझाइए वहां पर कर्वेचर छोटा होगा।
ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, किताब में नहीं है तुम्हारे, ये मैंने अपने पास से लिख दी है यहां पर, तो इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। कितना होना चाहिए? कर्वेचर, साई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नहीं गुड़िया, एक बात तो सोचो, यहां पर एंगल जो है, नहीं वो नहीं, ये गुड़िया केवल एहसास किया जाता है जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अप्रोच करवा रहे हैं हम यहां पर, हम कह रहे हैं कि अगर ये अनुपात देखो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा, पहले उतार लो एक मिनट को, मैं तुमसे वेलोसिटी की बात बोल लेता हूँ, पहले वेग की बात बोल लेता हूँ, वो तो तुमने पढ़ रखा है ना फिजिक्स में, उसकी बात बोल लेता हूँ। तो उसे कैसे करते हो तुम? चित्र ये बनाना, केवल ये वाला, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, अभी हम बात कर रहे थे कर्वेचर के। कर्वेचर को मैंने बताया था, कर्वेचर होता है घुमाव नापने का तरीका, कि भाई किस पॉइंट पर किसी वक्र के अंदर कितना घुमाव है। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कि कर्वेचर को नापने का एक दूसरा तरीका बनाया गया, तरीका तो वही है वैसे तो, ये बस थोड़ा सा ये उसका उल्टा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई कर्व है, देखो ये मैंने चित्र में दिखाया है यहाँ पर, ये कर्व है, ये कर्व है। अगर मान लो कोई गाड़ी इधर से आ रही है इस रास्ते से, जैसा जैसा आगे बढ़ेगी इस रास्ते पर जो है, तो ये बताइए यहां पर धीरे धीरे जब तू चले गया की ओर, तो उसको यहां पर आगे बढ़ते बढ़ते क्या महसूस होगा, कि अब यहां से रास्ता घूमने लगा, उसके अंदर वक्रता आ गई यहां पर। तो ये जैसा जैसा नीचे की ओर जाएगा, वक्रता बढ़ती हुई चली जाएगी, यहां पर सबसे ज्यादा वक्रता है, यहां पर घुमाव सबसे ज्यादा है इस पॉइंट पर। तो यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर, कि जैसे जैसे कर्व पार्टिकल या कोई गाड़ी ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, तो इस पॉइंट पर यहाँ वक्रता कम है, घुमाव कम है, इस पॉइंट पर ज्यादा हो गया। तो इसे नापने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया गया, क्या करा, कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया। यहां पर ध्यान दीजिए, हमने एक छोटा टुकड़ा लिया है, हो सकता है तुम्हें अभी एक दूर है तो इसलिए कम दिखाई दे रहा हो, देखो ये लाल सा रंग का दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा इस कर्व का टुकड़ा ले लिया, और एक यहां पर ऐसा एक सर्किल फिट करा जो इस वाली छोटे टुकड़े को, इस छोटे टुकड़े को कवर कर ले, मतलब वो सर्किल इसके ऊपर को होता हुआ जाए, तो ऐसा सर्किल फिट करा। फिर यहां पे देखो, यहां पे एक छोटा टुकड़ा लिया, यहां पर एक छोटा टुकड़ा लिया, और यहां पे एक सर्किल फिट करा। तो तुम यहां पे देखे, सर्किल जहां पर घुमाव ज्यादा है वहां पर सर्किल छोटा बन रहा है, और जहां घुमाव ज्यादा है वहां पर सर्किल बहुत बड़ा बन रहा है। समझ में नहीं आई तुम्हें बात, फिर सुनो मेरी बात को। मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है, और हमने इसका छोटा सा एक टुकड़ा लिया, इतना सा टुकड़ा। अब हमें यहाँ पर एक सर्किल फिट करना है, सर्किल कैसे फिट करेंगे, एक मिनट में दिखा देता हूं, अगर चल जाता है तो। ये अब मैंने ये सर्किल पकड़ा और इस सर्किल को यहां फिट करने की कोशिश करूंगा। फिट करने का मतलब है जो छोटी सी चाप है ये इस सर्किल के ऊपर पूर्ण रूप से आ जाना चाहिए, इस तरह से आ गया। अगर यहां घुमाव नहीं होता तो सर्किल बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, सोच के बताओ। चलो ठीक है, दूसरे तरीके से लेते हैं हम। हमने इसको थोड़ा सा अब फैला दिया इसको, ये भी यहां पर घुमाव जाया था, अब घुमाव कम कर दिया। अब यहां बताना तुम्हें, मैंने इसमें छोटा टुकड़ा लिया, अब यहाँ छोटा सर्किल फिट होगा या बड़ा सर्किल फिट होगा? बड़ा सर्किल फिट होगा। तो यहां पर यही तरीका इस्तेमाल किया गया घुमाव नापने के लिए, कि वहां पर सर्किल फिट कर दीजिए जिस पॉइंट पर तुम्हें कर्वेचर देखना हो, ठीक है, और उसकी रेडियस चेक करिए। अगर रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है का मतलब बड़ा सर्किल बन रहा है, इसका मतलब वहां घुमाव कम है, और जहां पर रेडियस कम होगी वहां पर घुमाव ज्यादा होगा, ठीक है। इस यही बात यहां पर लिखी गई है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस होती है द बेस्ट फिट इन नॉर्मल सेक्शन, जो उस पर यहां पर फिट कर दिया जाता है इस कर्व के ऊपर। नॉर्मल सेक्शन की बात छोड़िए, बस यहां पर फिट कर दिया जाए, तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी उसको ही कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो जब भी कभी तुम्हें किसी कर्व के ऊपर
किसी कर्व के किसी पॉइंट पर तुम्हें क्या निकालना हो, घुमाव चेक करना हो, तो वहां पर तुम्हें एक छोटी सी आर्क लेनी है, एक छोटा चाप लेना है, एक टुकड़ा लेना है और उस पर सर्किल फिट करना है। और जो सर्किल यहाँ फिट होगा उसकी तुम्हें रेडियस नोट करनी है। तो जो रेडियस होगी उसको ही बोलते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दिखाते हैं उसे रोस है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, हाँ ये कर्वेचर का उल्टा है, ये रहा कल लिखवाया था कर्वेचर मैंने, किससे दिखाते हैं केस है। तो यहाँ पे लिखा मैंने रो इक्वल टू होता है 1/K, और K का कल फॉर्मूला बताया था मैंने डी साई ओवर डी एस, तो लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया गया है डीएस ओवर डी साई, ठीक। इसे नोट करिए जल्दी से, देखिए अब हम फॉर्मूला निकालेंगे यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टिजन इक्वेशन, कार्टिजन का मतलब कार्तीय तल में इक्वेशन। अब देखिए मैं कैसा कैसा फॉर्मूला बनाऊंगा उसे ध्यान सुनना। जो अभी हमने शुरू में फॉर्मूला बनाया था कल वाला क्या पहले वाला, तो रो क्या बताया था हमने कर्वेचर के बराबर बनाया था क्या डीएस ओवर डी साई, चेक कर लो एक बार। और जो रो बताया वो होता है उल्टा 1/K, या कह दीजिए डी साई ओवर डी एस, एक बार चेक करो जो अभी बताया था हमने उल्टा कर दिया डी साई ओवर डी एस, और यहां हो जाता है डीएस ओवर डी साई। बस इनका मुझे यूज करना है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं डी वाई डी एक्स का, याद करो डी वाई डी एक्स बराबर होता था टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर पढ़ा था हमने उसके अंदर, वो होता है टेन साई। इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो टेन साई का हो जाएगा सेक स्क्वायर साई, और यहां आ जाएगा डी साई ओवर डी एक्स हो जाएगा। यहां से डी साई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितनी जाएगी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा sec स्क्वायर वाई साई। यहां पर लिखिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और sec स्क्वायर को लिखो 1 + tan² साई, और टेन साई की वैल्यू फिर यहां से भर दीजिए, तो वो कितनी बन जाएगी उसे चेक करिए एक मिनट। जब यहां से भरेंगे हम इसे कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा बताओ 1 + tan² की वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी साई ओवर डी एक्स। अब रो का फॉर्मूला बताइए, रो का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने डीएस ओवर डी साई, ये तो था, इसको मैं ऐसा कन्वर्ट कर रहा हूं डीएक्स और डीएक्स ओवर डी साई, चेक करो ये सही है गलत है। इस फॉर्मूले को मैंने ऐसा लिख लिया, सही है, क्या करा डीएक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब याद करो टेंजेंट नॉर्मल में एक फॉर्मूला हुआ करता था डीएस ओवर डीएक्स का, याद करो डीएस ओवर डीएक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था अंडर रूट 1 + dy ओवर डीएक्स का होल स्क्वायर, ये तो यहां पे ये वैल्यू भर दीजिए अंडर रूट 1 + tangent नॉर्मल में ये dy dx का होल स्क्वायर, और देखो इसकी वैल्यू तुमने ऊपर निकाल ली है ए, यहां पर देखो ए ये रही dx ओवर dx की वैल्यू, बस इसका क्या करना है उल्टा करना है, नीचे वाला पहुंच जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जाएगा नीचे, देखो यहाँ पे है डीएक्स ओवर डी साई जबकि यहाँ पे क्या है डी साई ओवर डीएक्स, तो उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा 1 + dy dx का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और थोड़ा चेंज कर दीजिए सर सही रूप मिला दीजिए, ऊपर देखो ऊपर दोनों जगह एक सा है, बस यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर कितनी है केवल 1 है, तो कितनी पावर जाएगी dy dx की पावर 2 पूरे की पावर जाएगी 3/2, और नीचे आ जाएगा कितना डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बस ये है हमारा रो निकालने का फॉर्मूला, इससे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब जो भी क्वेश्चन करेंगे बस इनसे ही करेंगे, इन्हें रट लेना, रो की वैल्यू डीएस ओवर डी साई और रो की वैल्यू ये वाले। अब हम एक्सरसाइज में पहुंच रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर है हमारी 1, पहले क्वेश्चन के देखिए कितने पार्ट दिए हुए हैं 4 पार्ट, इनमें से कौन सा करके दिखाऊं, ठीक है जी 1 का 3rd पार्ट, एस की वैल्यू दी है हमें 8 4a कितने साइन साई, ध्यान दो ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर लिख दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए, तो रो निकालना, तो रो का फॉर्मूला ये वाला लगेगा ये वाला लगेगा,
ऊपर वाला, इसका मतलब एस का करना है साई के, तो करिए डिफरेंशिएट, बताओ क्या लिखा जाएगा यहाँ, डी एस ओवर डी साई, 4a साइन साई का कोस साई, बस। अब यहाँ पर रो का फॉर्मूला का 200 भर दो, तो रो का फॉर्मूला होता है डी एस ओवर डी साई, इसकी वैल्यू खोल दो कितनी आ गई, 4a कोस साई, बस आंसर आ गया। और कुछ नहीं करना, बस ना सिंपल डिफरेंशिएट करो, यहां भर दो। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट करवाना, देखो अरे सारे एक से हैं, कोई नहीं है, तुम्हें आकलन नहीं करने आते है क्या, तुम इतने भिड़ रहे हो इसके भी ऊपर बे, मतलब के जो है बोला इन्हें नहीं कर पाओगे तुम क्या करोगे फिर। वाई बराबर है 1/2 a e की पावर कितना x अपॉन a, और माइनस प्लस के है e की पावर माइनस के x अपॉन। देखिए ये फॉर्मूला है रो का, ऊपर लिखवाया था, अभी ध्यान दो, ये रहा 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, और नीचे होता है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब दो बार तुम्हें अवकलन करना पड़ेगा। चलो करते हैं, पहले एक बार डिफरेंशिएट करके दिखाना है तुम्हें डी बाई डी एक्स की वैल्यू। चलो बोलो 1/2 a तो अचर, e की पावर एक्स अपोने का इंटू 1/a, इसका करो e की पावर माइनस एक्स अपोन ए इंटू ए से ए को काट सकते हो चाहो तो, ए बाहर निकल जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा e की पावर एक्स अपॉन ए माइनस आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन, ये आ गया डी बाई डी एक्स। बस एक बार और करना है, एक बार और कर दीजिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम तरीका यही, e की पावर एक्स अपॉन ए इंटू ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए इंटू माइनस, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा 1/2 a ए की पावर एक्स अपॉन ए, अब प्लस हो जाएगा ए की पावर माइनस एक्स अपॉन, बस फॉर्मूले भर दीजिए वही आंसर है जो भी होगा। करो रो बराबर क्या है 1 + d/dx का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 बटे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स ये रहा, तो यहां हो जाएगा 1/4, और यहां जाएगा ए की पावर एक्स अपोन ए, और ए की पावर माइनस एक्स अपोन ए का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 बटे में डी टू वाई की वैल्यू ये रही 1/2 a और ए की पावर एक्स अपोन ए प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपोन ए। देखिए अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन हो जाए तो, वरना इतने छोड़ दिया ना, वहां पर कोई आंसर तो तुम्हें दिया नहीं गया, कोई यही लाके दिखाना है वो तो मर्जी है तुम्हारी, कैलकुलेशन कर सकते हैं थोड़ी बहुत, देखो ध्यान देना मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 4 एलसीएम ले देना और यहाँ पर स्क्वायर खोल देना, जब 4 एलसीएम लोगे यहाँ 4 जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4 प्लस, बताओ स्क्वायर खोल दिखाइए, ए के पार एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए के पार माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस के 2 ए के पार एक्स अपॉन ए और ए के पार माइनस एक्स अपॉन ए, कुछ फायदा दिखाई दे रहा तुम्हें इसमें। देखिए ये 2a चाहो तो इसका ऊपर ले जाओ, और यहां बच जाएगा तुम्हारा क्या a के पावर x अपॉन a और a के पावर माइनस x अपॉन a। देखिए ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो तुम कितना भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं उसमें, कैसे भी करिए, बताइए कोई फॉर्मूला बन रहा ऊपर यहां पर, यहां 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 देखो यहां पर है माइनस के 2, ये इससे कट जाएगा खत्म हो जाएगा 2 बचेगा, और ये है प्लस के 4 तो प्लस के 2 बचेंगे, और जब प्लस के 2 बचेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा e के पावर x अपॉन ए। चलो पहले तो मैं करके दिखा देता हूँ, e के पावर x अपॉन ए का स्क्वायर e के पावर माइनस x अपॉन ए का स्क्वायर, यहाँ बताओ यहाँ क्या बचा माइनस 2, और प्लस के 4 ये हैं तो प्लस के 2 ही तो बचे, ये अब पूरे के पावर कितने 3/2, अरे ए की पावर एक्स अपोन ए की पावर माइनस एक्स अपोन ए, ए की पावर पावर जुड़ जाती है 0 हो जाएगा, और ए की पावर 0 1 हो जाएगा।
यहाँ टू था तो प्लस के टू आ गए, और नीचे चल रहा है तुम्हारा ए की पावर एक्स अपॉन ए, अभी तो चार भी तो है बटे में चार भी है इसके, चार को यहाँ डाल दिए। और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, वो तो मर्जी है तुम्हारा। ऊपर वाला फिर फॉर्मूला बन जाएगा, चलो ऊपर वाला फॉर्मूला बना दीजिए। कौन बचा बताएगा किसका फॉर्मूला? ए के पार एक्स अपॉन ए प्लस ए के पार माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बटे में चार भी है, दो को चार को ऐसे लिखो दो के पार दो, क्योंकि ये पार कट जाएगी। और नीचे चल रहा हमारा ए के पार एक्स अपॉन ए और प्लस के ए के पार माइनस के एक्स अपॉन ए। ठीक है, बताओ क्या क्या फायदा हुआ? ऊपर टू ए है, यहाँ ये पावर देखो दो से दो कट जाएगी तीन बचेगी, तो ए की पावर बचेगी एक्स अपॉन ए, और ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का क्या बचेगा? तीन। और नीचे तो यहाँ दो की पावर दो है, दो कट जाएगी तो दो की पावर तीन बचेगी, और बटे में चल रहा है ए की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, एक पावर और कट जाएगी। यहाँ पावर तीन है, यहाँ पावर एक है, इससे ये पावर कट जाएगी, तो कुल मिलाकर टू ए ऊपर बचेगा ए की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा दो की पावर तीन का मतलब आठ बचा हुआ, ये इससे कट गया, फिर इससे ये कट जाएगा तो वन अपॉइंट चार हो जाएगा, और यहाँ ए बचेगा। बस यही आंसर आ रहा होगा। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक में, तो हाइपरबोलिक में भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल तो इसे नोट करिए, हाइपरबोलिक में हाँ तो फॉर्मूला साइन का है, तो फिर तो यदि हाइपरबोल में करना तो ऊपर से करते, ऊपर से आसान पड़ता है, पहले इसे साइन में चेंज कर लेते। बताए तो मैं उससे भी क्या है, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये अगर ना पता हो तो पेज नंबर क्या था वो 192 पर है, वो सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर। साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू होता है ई की पावर थीटा माइनस होता है उसमें ए की पावर माइनस थीटा ये अपॉन टू, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर माइनस थीटा पॉइंट टू। चेक करो पेज नंबर, देखो कभी एक दूसरे में माइनस प्लस का अंतर जाए, देखिए कौन सा है प्लस का कौन सा है माइनस का। वन नाइनटी टू पे नहीं है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बताओ? यहां पर ए को तो छोड़ दो बाहर, इतना फॉर्मूला, इतना इतना फॉर्मूला, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता, और ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं इसे, कॉस हाइपरबोलिक का क्या आता साइन हाइपरबोलिक, तो ये आसान पड़ जाता। मर्जी है तुम्हारी, ऐसा कर लेना ऐसा कर लेना, नोट कर जल्दी से। अच्छा ऊपर देखो वाई अपॉन ए, ये रहा y क्या था a बाई टू e की पावर ये तो था, ये रहा, तो इसमें एक काम करो a भी तो है ना उसके अंदर, तो a से अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ये लिखा ना हमने a को अंदर लेना हमें, तो a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो a स्क्वायर बन जाएगा ना फिर, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x अपॉन a और प्लस के e की पावर माइनस x अपॉन a बाई टू का स्क्वायर, या a को अंदर ले लो तो वन बाई ए, और यहाँ आ जाएगा ए इंटू ई की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए बाई टू का पूरे का स्क्वायर, और ये बन गया तुम्हारा वाई स्क्वायर। बस यही था इसका आंसर, यही है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ, 2012 में आया है 18 में आया है, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, y बराबर दिया है e की पावर x, कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, क्वेश्चन x y में है तो डिफरेंशिएट करो, d बाई dx की वैल्यू कितनी जाएगी e की पावर x, दोबारा करोगे तो कितना जाएगा e की पावर x। अब फॉर्मूला लगा दीजिए रो का, फॉर्मूला है 1 प्लस d बाई dx का स्क्वायर पूरे की पावर 3 बाई 2 अपॉन में
डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो रो की वैल्यू आई वो क्या आई, वन प्लस डी बाई एक्स की वैल्यू करो ए की पावर एक्स, उसका हो जाएगा स्क्वायर पूरे की पावर थ्री बाई टू अपॉन में यहाँ भी ए की पावर एक्स। आंसर ये आ गया वन प्लस ए की पावर टू एक्स पूरे की पावर थ्री बाई टू अपॉन ए की पावर एक्स। लेकिन अंग्रेजी पढ़ो थोड़ी सी, क्या लिखा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट वेयर इट क्रॉस द वाई एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां निकालना है जहां पर कर्व जो है वो वाई एक्सिस को काटता है। ध्यान दीजिए, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वाई एक्सिस। ये जो कर्व है, ये जो वक्र दिया गया है, ये वाई एक्सिस को काटता है। अगर तुम्हें याद हो इसका चित्र, तो इसका चित्र होता है इस टाइप में ए की पावर एक्स का, और ये इस पॉइंट पर काट रहा है यहां पर। तो बताइए जिस पॉइंट पर ये काटेगा वाई एक्सिस को, वहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। वाई की वैल्यू कितनी होती है, छोड़िए निकालना चाहते हो तो एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की, हाँ एक्स की वैल्यू कितनी बताई तुम्हें, जीरो। तो जीरो यहां भर दो तो ए की पावर जीरो कितना कितना हो जाएगा, वन। तो वाई की वैल्यू वन होगी, लेकिन मुझे वाई की जरूरत नहीं है क्योंकि रो जो निकाला है तुमने कहीं में निकाला है एक्स पर, तो एक्स की वैल्यू भर दो कितनी, जीरो। तो रो की वैल्यू इस पॉइंट पर जाएगी, समझ रहे हो तुम। तो ये चल जाएगा पता कि यहां कितना बड़ा सर्किल खींचेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, ये रो होगी। चलो करो, पुट कर देना है बस तुम्हें क्या, एक्स बराबर जीरो, तो रो की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पर जाएगी। तो वन प्लस ए की पावर जीरो पावर थ्री बाय टू अपॉन ए की पावर जीरो, तो कितना आ गया, वन और वन टू, तो टू की पावर थ्री बाय टू अपॉन में आ गया वन। बस यही आंसर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट, इस बिंदु पर निकालनी है किस कर्व की, एक्स की पावर टू बाय थ्री वाई की पावर टू बाय थ्री। ध्यान दो, जब हम टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर पढ़ रहे थे उस टेंजेंट नॉर्मल में भी एक वाला कर्व आया था, और मैंने कहा था ये एस्ट्रॉयड होता है, इस टाइप का चित्र बनता है इसका, इस टाइप का। और इस ये तो होती है सिर्फ कार्टिजन फॉर्म कार्तितल में, लेकिन इसकी एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी होती है, एक्स बराबर ए कोस क्यूब टी लिख लो थीटा लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई बराबर है बी साइन, नहीं ए ही आएगा, ए साइन क्यूब थीटा, क्योंकि इसको इसमें रखोगे तभी तो ए बनेगा, ठीक। तो ये समीकरण या ये समीकरण, तो ये है हमारा प्राचलिक निर्देशांक में, प्राचलिक पढ़ा होगा तुमने, और ये हमारी कार्टिजन फॉर्म है। अब तुम्हें क्या करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, रो निकालना, तो रो के लिए हमें डिवाइड एक्स दिया, तो डिवाइड एक्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो हम ऊपर से डिवाइड एक्स निकाल लें या इससे भी निकल जाएगा। इससे कैसे निकलेगा, इससे डी एक्स ओवर डी थीटा बनाओ और डी वाई ओवर डी थीटा बनाओ, समझ रहे हो तुम, फिर डिवाइड कर दो उन्हें। तो मैं सेकंड से निकालूंगा क्योंकि मैं ज्यादातर जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करूंगा, नीचे वाले का, ऊपर से मैं नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं, मैं उससे कर दूंगा, तुम जिससे कहोगे तुम उससे कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं इससे कर रहा हूँ। बताइए डी एक्स ओवर डी थीटा कितना आएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर निकालोगे तुम dy वाई ओवर डी थीटा, तो बताओ कितना बनेगा, 3a sin थीटा into cos थीटा। अब तुम्हें निकालना है dy वाई ओवर स्क्वायर भी आएगा, अब तुम्हें dy dx निकालना है, तो dy वाई ओवर डी थीटा लिख दो और d थीटा ओवर dx कर दो, dy वाई डी थीटा की वैल्यू ये रही, 3a sin स्क्वायर थीटा into cos थीटा, और d थीटा dx ये उल्टा करना है इसका, क्योंकि यहाँ dx ओवर d थीटा, यहाँ d थीटा और dx है, तो उल्टा कर दो, माइनस के 3a और cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 3a से 3a कैंसिल होगा, साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो माइनस के आ जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया, तो ये बन गया माइनस के tan थीटा, या लेकिन हमें तो d टू y dx स्क्वायर भी चाहिए, इसका मतलब दोबारा करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, x के, किसका, tan थीटा का, कौन बचा करेगा, माइनस के sec स्क्वायर थीटा, लेकिन पीछे लिखना पड़ेगा d थीटा ओवर dx 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 dx, यही आ गया। अब कोई कहेगा अभी ये तो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू निकाल तो रखी है रही, ये क्या है d थीटा dx, और यहाँ क्या निकाल रखा dx ओवर थीटा, उल्टा कर दो तो वन अपॉन आ जाएगा माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब सारे क्वेश्चन को या तो साइन कोस में लिया हो या sec में बदलो, अगर इसे साइन कोस में लाना चाहते हो तो नीचे ले आओ, तो कितना जाएगा बताओ, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस हो जाएगा, और sec स्क्वायर को नीचे ले आओ तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 3a cos की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा।
समझ में आ गई बात तुम्हें? नहीं करना चाहते तो ऊपर ले आइए, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ऊपर से कर लीजिए सर। बताइए, अगर इसे लिखना चाहो तो ऊपर जाकर क्या जाएगा, यहां पर sec की पावर 4 थीटा और इनटू में आ जाएगा cosec थीटा। तो मर्जी है तुम्हारी, वो कैसे भी करिए। कितनी बात समझ में आ गई? अब हमें निकालना है रो, तो अब रो निकालने जा रहा हूं मैं, एक मिनट रुक जाइए बस। रो का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 और बटे में डी टू वाई डी एक्स। बस यहां भरना है 1 प्लस डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये रही माइनस के टेन थीटा, जब स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा जाएगा पूरे की पावर 3/2 और अपॉन में डी टू वाई की वैल्यू ये रही। कितनी है? 1/3a कोस की पावर 4 थीटा इंटू में साइन थीटा। इसको चाहो तो नीचे से ऊपर ले जाओ, तो 3a cos की पावर 4 थीटा इंटू में साइन थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है? 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 3a cos की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ क्या बचा? sec की पावर 3 थीटा, और sec की पावर 3 को ले लोगे 1/cos में, तो cos की पावर 1 और कट 3 कट जाएगी, तो 1 बच जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3a cos थीटा sin थीटा, बस यही आंसर है। मैं जरा इनको तो बताया नहीं मैंने। बच्चों एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। इसमें ये इलिप्स दिया हुआ है दीर्घवृत्त, इसकी हमने प्राथमिक समीकरण बना लिया x बराबर a cos थीटा, y बराबर बना लिया b sin थीटा। हम डी वाई डिस निकाल रहे हैं, तो पहले निकाल रहे हैं इसको कर लिया है x को थीटा से और ऐसा कर लिया है y को भी थीटा से। ठीक, अब हमें डी वाई डिस चाहिए, तो डी वाई डिस के लिए हम कर रहे हैं डी वाई ओवर डी थीटा इंटू में डी थीटा ओवर डी एक्स। तो डी वाई डी थीटा की वैल्यू यहां से भर दीजिए, कितनी जाएगी? बी कोस थीटा, और डी थीटा डी एक्स का इसका उल्टा कर दीजिए, तो माइनस का जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। तो चाहो तो माइनस के बी अपॉन ए कॉट थीटा लिख सकते हो ये कर, लेकिन हमें तो डी टू वाई भी चाहिए, तो अब की बार एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन किसके सापेक्ष? एक्स के। तो यहां तुम्हें बताना है बी बटे ए तो है कॉन्स्टेंट और तुम्हें करना है एक्स के, तो बताओ क्या होगा? कॉट थीटा का बी अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा, और पीछे लिखा जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। तो बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी एक्स की वैल्यू यहां से भर दो, कितना हो जाएगा? माइनस 1/a साइन थीटा, साइन को चाहो ऊपर ले आओ, तो माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर और यहां हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। साइन ऊपर गया तो कोसेक बन गया, और यहाँ कोसेक की पावर 2 है तो कोसेक की पावर 3 आ गई। ठीक है, ये आ गया, बस उसका फॉर्मूला भरना है, निकल जाएगा रो हमारा। तो रो का फॉर्मूला याद करिए क्या था, रो बराबर था हमारा 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 बटे में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। भरिए 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, कहां डी वाई डी एक्स, ये रहा, तो माइनस हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा पूरे की पावर 3/2 अपॉन में डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ये कह दीजिए कितनी है? माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ है कोसेक की पावर 3 थीटा। थोड़ा मैं सही करूंगा, ए स्क्वायर को ऊपर ले लेता हूँ और अपॉन में बी, और जैसा ये कोसेक है ना, इसे 1/ साइन करके साइन ऊपर ले आता हूँ मैं, तो साइन की पावर बताओ कितनी जाएगी? साइन की पावर 3 थीटा। अब यहाँ अंदर भी मैं थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि मुझे किताब से आंसर मिलाना है, कोट को लिखो कोस बटे साइन में, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पूरे की पावर कितनी? 3/2। अब इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर क्या होगा, जो बाहर साइन लिखा हुआ ना ये कट जाएगा, देखो कैसा कटेगा, एक मिनट ध्यान देना। माइनस के है यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू में है साइन क्यूब थीटा, जब तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बताओ यहाँ क्या बनेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर और को स्क्वायर थीटा, पावर कितनी? 3/2। दिमाग लगाना, ए की पावर 2 है नीचे और 2 पावर कटेगी तो ए की पावर 3 बचेगी, तो ए की पावर 3 बाहर जाएगी, तो बताओ क्या आएगा बाहर? एक ए स्क्वायर है यहां पर तो 1/ab, ये तो आएगा। अब साइन को चेक करो, साइन की पावर 2 है, 2 कट जाएगी तो साइन की पावर 3, और साइन की पावर 3 साइन की पावर 3 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा बताओ? ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा पूरे की पावर 3 बन दो, थोड़ी गुणा भाग कर लेना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद भी रखना है क्योंकि ये अगले क्वेश्चनों में काम आएगा। मैं कल जब करवाऊंगा और क्वेश्चन जो है तो उसमें ये कह दूंगा कि मैंने वहां पे किया था ये, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ये करके दिखाना होगा। ए बी और यहां पर आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस के बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा की पावर कितनी 3/2। अब एक बात ध्यान रखना, रो जो होती है रेडियस होती है लंबाई, तो इसमें यदि माइनस आ जाए तो माइनस को छोड़ सकते हो। तो मैंने यहां पर लिख दिया नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब है छोड़ देना, नेगलेक्ट माइनस साइन, माइनस साइन को मैंने छोड़ दिया। तो रो की वैल्यू ये आ गई तुम्हारी 1/AB। चलो उतारो, पेन चलना बंद हो गया। ये तो ये भी चलना ही बंद हो गया, नोट करो इसे जरा।